दोस्तों भारत की अडानी ग्रुप अब देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने जा रही है, जहां पर करीबन 3.5 अरब डॉलर की लागत से ये काम किया जाएगा। ये भारत के इतिहास में होने वाला सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम होगा। जो काम अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अकेले नहीं करेगी, यहाँ पर जापान बेस्ड SB एनर्जी इंडिया के साथ मिलकर के काम किया जाएगा। असल में दोस्तों SB एनर्जी इंडिया इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन जापान बेस्ड सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन एंड भारतीय ग्रुप, जिसमें 80% स्टॉक्स सॉफ्ट बैंक के हैं और 20% स्टेक्स भारतीय ग्रुप के हैं। इसी को लेकर के अडानी ग्रुप ने एक शेयर परचेसिंग अग्रीमेंट को साइन किया है, जो कि 100% इंटरेस्ट बेस पे होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत के 4 बड़े राज्यों को टारगेट किया गया है, जहां पर 4954 मेगावाट के इस रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन भारत के वो 4 कौन से राज्य हैं, इनको अभी हाईलाइट नहीं किया गया है। साथ ही में थोड़ी सी और डिटेल्स की बात करें तो यहां पर 84% सोलर्स को लगाया जाएगा, जो करीबन 4180 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। 9% सोलर और विंड को लगाया जाएगा, जो कि 450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। इसी के साथ में 7% विंड एनर्जी इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि 324 मेगावाट के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले अडानी ग्रुप ने 1.35 अरब डॉलर की भी लागत लगाई थी और इसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया जाना था। इस परियोजना में हमारी NTPC सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसी के साथ में NHPC इन सभी को शामिल किया गया था, जिसमें 25 साल के लिए एक PPA को साइन किया गया था। इतना ही नहीं, कंपनी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि 2025 तक वो देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाली कंपनी होगी और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाली कंपनी बन जाएगी, जो कि एक भारतीय कंपनी होगी, जो कि भारत के नाम को कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड हाईलाइट करने वाली है। और वैसे भी अडानी ग्रुप आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है कि वो अब भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी शामिल हो जाएंगे, जो कि मुकेश अंबानी जो कभी पीछे छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों का अडानी ग्रुप के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।